ऐसा कहा है कि मैं निर्दोष था, और हमें खुशी है कि ये इस बात का स्पष्टीकरण हो गया है। 25 साल बाद ये घोषणा हुई है। दुख इस बात का है कि 25 साल पहले अगर उन्हें पता था कि हम निर्दोष हैं तो इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम इस मामले में निर्दोष ही हैं, और बस दुख इसी बात का है। मुझे खेद बस एक ही बात का है कि 25 सालों तक हमें इस बदनामी और बेइज्जती के साथ रहना पड़ा। हम लोग तो उस ज़माने में थोड़े से और जवान थे, तो इसको सह लिया और उसके साथ लड़े भी। हम कोर्ट कचहरी गए विलायत में, लेकिन माँ बाबूजी के लिए दुख होता है क्योंकि अब वो हमारे साथ नहीं है, और उनके मन में एक जो क्लेश था उनके मन में, वो उनके जीते जी हम सफाई नहीं दे पाए, ना ही उनको हम ये बता पाए कि हम कह तो दिया था कि हम निर्दोष हैं, लेकिन यदि आज वो जीवित होते तो बहुत खुश होते। सर, क्या आप सक्रिय राजनीति में अब वापस आना चाहेंगे? क्योंकि अब एक लेकिन सर उसका मलाल है कि इस तरह के बदलों में दांत की वजह से आपको जबकि वो नहीं है, ये गलत बात है। बोफोर्स की वजह से मैंने अपना इस्तीफा नहीं दिया था। मुझे राजनीति आती नहीं थी और ना आज आती, और मैंने उस जमाने में इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे राजनीति आती नहीं। वो तो इत्तेफाक से उसके कुछ दिनों बाद ये बोफोर्स की बात निकली, तो लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया कि शायद मैं ये बोफोर्स के मामले से पीड़ित होकर के मैंने इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने बहुत पहले ही पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया।